अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी इन काउंटडाउन बुक। दिस बुक नेम इज़ काउंटडाउन। लेट्स स्टार्ट द नंबर्स 21 to 30। दिस इज़ 21 एंड दिस वन इज़ 22। हमने प्रीवियस लेक्चर में 21 और 22 को लर्न कर चुके हैं, बट टुडे वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्टार्ट द नंबर 23, 24। दिस इज़ 23, 23, 24, 24, 25, 23, 24, 24, 25, 23, 23, 23 balls are there, 23, 23, 23 balls, these are 23, and how many balls are there, 24, how many balls, 24, and these are 25. Dear students, all of you count these all balls. How many balls? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. These are 23, these are 24, and these are 25. 21, 22, 23, 24, 25, 25. Okay, move to the next page, page number 42. Look at this one is 2, 6, 26, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 0, 30. How many balls? These are 26, these are 26 balls, and these are 27 balls, these are 27 balls, and these are 28 balls, 29 balls, 30. Okay, now dear students, let's start writing. You trace the number 23, 24, 2, 3, 23 like this, and 2, 4, 24. Next, 2, 5, 25. You write this. Okay dear students, 2, 5, 25. स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से ये सारा पेज जो है वो कंप्लीट करना है। ये इसी तरह 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से आपने इस सारे को कंप्लीट करना है, सारे पेज को, और ये काउंटिंग अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट उसी तरह आप इसी पेज इस पेज पे आएँ और इस पेज के भी काउंटिंग को कंप्लीट करना है। 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, and 3, 0, 30, 3, 0, 30. You have to complete all page, okay? आपने ये सारे जो नंबर्स हैं सारे पेज को अच्छे से कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से नीटनेस के साथ राइट करना है, ओके? और इसके साथ साथ आपने ये सारी काउंटिंग लर्न भी करनी है और अपने रफ रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट मूव टू दिस पेज, पेज नंबर 45, राइट द मिसिंग नंबर इन ईच रो। आपने हर रो में मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं, ओके? 1, 2, आफ्टर 1, आफ्टर 2, व्हाट इज द नंबर 3, व्हाट कम्स after 2, 3, and what is this, okay, and which number is come after 3, 4. We have to write the number 4. This one is 5, and this is 6, 7. We have to write the missing number, okay? 6, अभी इधर 6 है तो 6 के बाद क्या आएगा? 7, 8, 9, 10. After 10, 11, 12, and after this one is 3. What is this? 3. And after 3, what comes? Which number is come after 3? 4. And after then 5, 6, 7, 8, 9. This is 7 and 8, 9, 10, 11. And what comes after 11? 12.
13, 5, 6, 7, 8 है तो 8 के आगे आएगा 9, 10 है तो 10 के आगे आएगा 11. आपने ये सारे मिसिंग नंबर इसी तरह से कंप्लीट करने हैं. 15 है तो 15 के बाद क्या आता है 16, 15 और 18 इनके अंदर जो है वो मिसिंग नंबर कौन कौन से होंगे, 16 है और 17. अब 18 और 21, 18 और 21 के अंदर जो मिसिंग नंबर हैं वो कौन कौन से हैं. आप 18 है तो आफ्टर 18 19, एंड 19 आफ्टर 19 20, 21, 22 है तो अब इनके बिटवीन में क्या आएगा 21, 22, 23, 24, 25, दिस इज 26. एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन 26 एंड 28, 27, 24, 25 एंड आफ्टर 25 व्हाट नंबर्स कम 26, 27, 28, 29, 29. ओके, तो इसी तरह से आपने ये सारे मिसिंग नंबर्स कंप्लीट करने और ये इस पेज सारे को कंप्लीट करना है. ओके, मूव टू इन द नेक्स्ट पेज. राइट द मिसिंग नंबर्स 21 to 30. ओके, आपने 21 से 30 काउंटिंग के मिसिंग नंबर्स राइट करने. अब ये 21 है तो आफ्टर 21 कौन सा नंबर आएगा, 22. ठीक है, इधर आपने राइट करना है 22, आफ्टर 22 23, 24, ये 25 है तो इधर आएगा 26, 27 एंड 28, 29, दिस वन इज 30. इस तरह से आपने इस पेज को भी कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज कंपैरिजन. दिस टॉपिक इज कंपैरिजन. इधर हम डिफरेंट कंपैरिजन लर्न आउट करेंगे. जो फर्स्ट कंपैरिजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल, व्हाट इज़ अ बिग, बिग बिग जो चीज़ बहुत बड़ी होती है, एंड स्मॉल जो बहुत छोटी होती है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो करवाती हूँ. लाइक दिस, दिस बॉल इज स्मॉल, दिस वन इज स्मॉल एंड दिस वन इज बिग. ये देखें, मैं आपको इधर इसको सामने शो ऑफ करवाती हूँ आपके सामने. देखिए, दिस वन इज बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. अब देखिए, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है. तो जिस चीज़ का साइज़, वेट, हर चीज़ बड़ी हो गई तो वो क्या हो गया, बिग. और जो ये स्मॉल है, साइज़ भी, वेट भी, इस हर चीज़, तो ये स्मॉल है. बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. ओके नेक्स्ट, मैं एक और ऑब्जेक्ट आपको, ये ब्लॉक्स, बॉक्सेस हैं, इनको शो ऑफ करवाती हूँ. दिस इज बिग, दिस वन इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल, बिग स्मॉल. अब ये देखिए, ये आपको बड़ा है, इसका साइज, वेट, एवरीथिंग इज बिग. दिस वन इज स्मॉल, ये इससे छोटा है. ठीक है, इसका साइज, वेट, एवरीथिंग इज स्मॉल. बिग एंड स्मॉल, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल. ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक एट दिस, दिस फिश इज बिग, आई एम अ बिग एंड दिस इज स्मॉल. ये स्मॉल फिश है, ये बिग फिश है. ओके, दिस इज आई एम अ बिग एंड आई एम अ स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिग, बड़े हैं आपसे, और आप जो हैं वो छोटे हैं. आप उनके साथ खड़े हो तो आप कहेंगे उन्हें बिग स्मॉल. और भी बहुत सारी घर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी आप देख लें, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ को आप देखें कि बिग कौन सी चीज़ें हैं, स्मॉल कौन सी हैं. डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपने अपने घर में देख के तो उनको फाइंड आउट करना है, उनमें बिग बिग एंड स्मॉल. ये डक है, दिस इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल, बिग स्मॉल. अब ये बड़ी है इसे, तो ये क्या है, बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. टाटा इज बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. अब आपने क्या करना है, कलर द बिग वन येलो, कलर द स्मॉल वन ऑरेंज. ओके, जो आपने जिस तरह से ये कलरफिल हुआ है कि बिग जो है ऑब्जेक्ट होगा जो भी, उसमें आपने येलो फिल करना है और जो स्मॉल है उसमें ऑरेंज कलर फिल करना है. लाइक दिस. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कलर फिल करके देती हूँ. कलर द बिग वन इज़ येलो एंड द स्मॉल वन इज़ ऑरेंज. ओके, बिग ऑब्जेक्ट में आपने येलो कलर फिल करने हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आपने ऑरेंज. इस पेज पे आपको जितने भी बिग ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, दिस वन, इन सब में आपने येलो कलर फिल करना है. कलर द बिग वन इज़ येलो एंड द स्मॉल वन इज़, द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑरेंज. ओके,
आपने जितने भी आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल चीज़ें हैं, उन सब में आपने ऑरेंज कलर फिल करना है। आप इस डक में भी ऑरेंज, इधर भी ऑरेंज, ओके। इस तरह से आपने इस सारे पेज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आर्ट, ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रफ एंड स्मूथ इन कंपैरिजन। नेक्स्ट टॉपिक है रफ एंड स्मूथ। रफ जो जिसमें कोई, जिसको हम ऊपर से हैंड भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ है जिसमें हमें डिफ़िकल्टीज फील हो, तो वह रफ़ में आ जाती है। स्मूथ बिल्कुल प्लेन चीज़ होती है। मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट्स शो करवाती हूँ। लुक एट दिस, रफ़ एंड स्मूथ। ये देखें, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर हम इस तरह इसको टच कर रहे हैं, बट हमें डिस्टर्बेंस फील हो रही है। तो ये कि भी कोई भी चीज़ ऊपर करेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो ये है रफ़ में, कोई भी इस तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे रफ़। और जो भी चीज़ बिल्कुल प्लेन हो, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो, उसके ऊपर कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये क्या होगी, स्मूथ। ओके, अब आप इधर देखिए, ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखते हैं आप, उसके ऊपर दाने से बने होते हैं, तो वो एक रफ़ ऑब्जेक्ट्स में चले जाते हैं। और एप्पल स्मूथ है। इसी तरह से नेट रफ़ में है, एंड बैलून स्मूथ। ये और पाइनएप्पल जो है वो रफ़ कंडीशन में रफ़ है, तो ये फुटबॉल जो है ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, तो ये क्या है, स्मूथ। अब आपने क्या करना है, टिक द रफ़ वन, आपने रफ़ वन पे टिक करना है। दिस इज़ रफ़ एंड दिस इज़ रफ़, के टिक करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वाइड एंड नैरो। वाइड जो चीज़ चौड़ी होती है, जिसका विथ जो है वो बहुत बड़ी हो, और नैरो जो तंग हो, बहुत थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके भी ऑब्जेक्ट शो करवाती हूँ। लुक एट दिस, दिस इज़ वाइड। ये देखें, ये इसके विथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, वाइड। वाइड चौड़ाई में भी ज़्यादा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ा है, बड़ा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप डिफरेंट। और ये जो है नैरो, दिस वन इज़ नैरो, वाइड नैरो, वाइड नैरो। नैरो क्या होता है, पतला सा होता है, बहुत ही उसकी इतनी ज़्यादा वेथ नहीं होती। तो इधर आप देखें, ये जो है वाइड नैरो, टिक द नैरो वंस। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था टिक द रफ़ वंस, स्मूथ पे टिक नहीं करना। अब टिक द नैरो वंस, नैरो वंस जो बहुत तंग सी है, जिसकी वेथ इतनी ज़्यादा नहीं है चौड़ाई में, तो इन दोनों बॉटल्स में से नैरो बॉटल्स, ये नैरो है, ठीक है, दिस इज़ नैरो। एंड केज, वेयर इज़ द नैरो केज, दिस वन इज। ओके, नेक्स्ट मूव इन द नेक्स्ट टॉपिक, फैट एंड थिन। फैट जो चीज़ जो मोटे हों, और थिन जो पतले हों। ओके, फैट और थिन जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं। किसी चीज़ के जो जो भी लिविंग थिंग्स हों, जिस इस तरह से हम पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट ह्यूमंस की होती हैं, डिफरेंट इंसानों की पर्सनैलिटीज़ उनमें भी आ जाता है, जानवरों का भी होता है, तो वहाँ पे आप लोग फैट एंड थिन देख सकते हैं। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फैट एंड थिन जो है वो नहीं देखा जा सकता। नॉन लिविंग में वाइड नैरो इस तरह से वो चीज़ें देख सकते हैं, बट फैट एंड थिन नहीं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो हैन है ये फैट है, ठीक है, इसके ऊपर ये इसका वेट, मास और हर चीज़ जो इसके ऊपर ज़्यादा है, तो ये फैट है। एंड दिस वन इज़ थिन, फैट थिन है, ठीक है, ये पतली है। और आपको मैं और एग्जांपल दूँ, एलिफेंट जानवर में, एनिमल्स में देखें तो एलिफेंट जो है वो बहुत मोटा ताज़ा इस तरह से होता है, तो वो क्या है, फैट। और फैट के, और जो मंकी है उसके अकॉर्डिंग अगर मंकी को साथ खड़े करके देखें तो मंकी क्या होगा, थिन में आ जाएगा। तो और इसके लिए एक फ़नी एग्जांपल ये है आप बच्चों के लिए, जैसे मोटू पतलू, ठीक है, मोटू पतलू की जोड़ी आपने देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो वो फैट और थिन में, मोटू जो है वो फैट में चला जाता है और जो पतलू है वो थिन में चला जाता है ना बच्चों, ऐसे ही है ना। तो अब नेक्स्ट देखें, आपने क्या करना है, कलर द फैट वन रेड, कलर द थिन वन ग्रीन। जो थिन होंगे उन पर आपने ग्रीन फिल करना है, और जो फैट होंगे उन पर आपने रेड फिल करना है। लुक एट दिस, दिस कैट इज फैट एंड दिस इज थिन, दिस फ्रॉग इज फैट एंड दिस वन इज थिन, दिस रैबिट इज फैट एंड दिस रैबिट इज थिन। तो आपने क्या करना है, जो फैट है उसमें रेड, जी स्टूडेंट, जो फैट चीज़ होंगी उसमें आपने रेड कलर फिल करना है, और जो थिन है उनमें ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैट इज फैट, तो आपने इसमें रेड कलर फिल करना है, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आपने नीटनेस के साथ ये कलर फिल करनी है, वाइट वाइट नहीं छोड़ना, और बहुत प्यारे से कलरिंग करनी है, और जो थिन है उनमें आपने ग्रीन कलर फिल करना है।
दिस कैट इज थिन. इसी तरह से आपने ये फ्रॉग फैट है तो इसमें रेड, और ये फ्रॉग जो है वो थिन है तो इसमें आपने ग्रीन, और ये रैबिट फैट है इसमें रेड फिल करेंगे, और ये जो है थिन है तो इसमें आपने ग्रीन फिल करना. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपने ये कंपैरिजंस अच्छे से लर्न करने हैं. आपने घर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखें, डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करें, देखें कि आप और इन कंपैरिजन को अच्छे से देखें वहाँ से. ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.